Hello guys, there are more than 50 topics in the CAT exam from the quant point of view, and of course I can't do every topic, especially those who hate maths or who don't like maths, वो काफी topic छोड़ देते हैं. So today I'm going to give you the list of 10 topics which are easy and the most important as well. Okay, so let's go to the list of this topic of 10 things, and in our crash course, we're launching our crash course. In case you want to join, we're going to cover up all these 10 topics first. ठीक है, ताकि ये सारे टॉपिक में मेरा एक्सपर्ट हो जाए, ये सारे टॉपिक में मेरा अच्छा हो जाए. दिस इज गोइंग टू बी अवर टारगेट. सो नंबर वन ऑन द लिस्ट इज परसेंटेजेस. नो क्वेश्चन अबाउट दैट. कोई भी एग्जाम ले लो, परसेंटेजेस इज इम्पॉर्टेंट, बट आई एम एडिंग परसेंटेजेस एंड प्रॉफिट लॉस, बिकॉज प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन कैट में आता ही आता है. वेरी वेरी कंसेप्ट बेस्ड, वेरी वेरी लॉजिक बेस्ड. इफ यू कैन डू द टॉपिक, यू विल बी रॉकिंग. सो नंबर वन टॉपिक इन द लिस्ट इज परसेंटेजेस. Arithmetic will start first. Ratio, proportion, variation, again very important. Ratio, proportions and variation. Please don't miss the variation part, because variation ka question is very common in the CAT exam. Okay, topic number 2. Topic number 3, if I add averages and mixtures. ठीक है, ये दो होना चाहिए, बट मैं इनको एक में कंबाइन कर रहा हूँ. दो ही करते हैं यार, दोनों अलग है. दोनों जोड़ के एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. Fine. So these are our arithmetic point of view 4 topics. Then number 5, if I can add equations. Now equation, I don't mean only simple equation. It can be quadratic, it can be cubic, it can be polynomial equation. So in general equations, algebra, which is part of algebra. या algebra बोलोगे ना, public का बहुत दिमाग खराब होता है. algebra मत पढ़ाओ, फिर equations बोल के मैं कर लूँगा. algebra मुझे मत दिखाओ. ठीक है. So these are the 5 topic which are from the 4 topics from arithmetic. Then we are moving towards the मॉडर्न मैथ्स. मैं ये साइट में साथ में अपडेट करते आ रहा हूँ, सो दैट यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट जब भी आपको चाहिए. ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया विद ऑल द 50 टॉपिक्स एंड द मेन 10 टॉपिक विच यू हैव टू डू, विच यू कांट अफोर्ड टू मिस. ठीक है. सो मूविंग टू द लिस्ट, मूविंग इन द लिस्ट नाउ, आई एम मूविंग टूवर्ड्स अदर टॉपिक. प्रोग्रेशंस, एपीजीपी सीरीज. एपीजीपी बोलेंगे जो अच्छा लगता है ना, एपीजीपी सीरीज. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है. लॉगरिदम. ठीक है, लॉगरिदम में देयर आर ऑलवेज 2 क्वेश्चन. वन इज डूएबल, वन इज वेरी हाई लेवल. तो अगर मैं मीडियम वाला क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन मैंने क्रैक कर लिया, आई एम सॉर्टेड. नंबर 8, फंक्शन ग्राफ्स. फंक्शन ग्राफ दिखता घटिया बेटा है नहीं. इट्स मच मोर ईजी टू डू एज वॉट वी थिंक. अगेन 2 क्वेश्चन आता है, एक ईजी एक मीडियम, ये करना है. Number 9 is inequality and maximum minimum. And our seating a G-Strategy rock here. Number 9. Okay. Last but not the least on the list is mensuration. Geometry नहीं करना मत करो भाई, mensuration करके जाओ, because mensuration area volume का question 2 तो आना ही आना है हर साल in the CAT exam. तो अभी मेरे पास एक टॉपिक मेरे को और ऐड करना है. सो फॉर दैट आई हैव टू कंबाइन दीज 2 टॉपिक्स. या अगर मैं इन दोनों को, अगर एवरेजेस और मिक्सचर्स को मैं कंबाइन कर देता हूँ, देन आई कैन हैव दैट टॉपिक नंबर 10 हियर इन द लिस्ट. एंड एट नंबर 10 इज माय फेवरेट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आप कैट का पिछले 5 साल का पेपर देख लो, यू विल फाइंड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री. So this is a list of your 10 topics. Publish, website created, link created. ये आपको बस link पे जाके आपको ये download करना है. So you got 105 days remaining for the CAT exam, and these are the list of 10 topics जो आपको करने ही करने हैं. Alright, same way I'm going to do the list for verbal and DL logic as well. In case you want to join us, please call or WhatsApp any of the numbers given in the description box. All the best.